जोधपुर में आज सुबह तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसे उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिया कुमारी सोमवार शाम को अपने दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंची थी। रैली के बाद उन्होंने नागाना और कनाना में पीडब्ल्यूडी, महिला एवं बाल विकास विभाग और पर्यटन विभाग की समीक्षा बैठकों में भाग लेने का कार्यक्रम तय किया है। रैली का आयोजन स्वतंत्रता दिवस की तैयारी और देशभक्ति के उत्साह को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। स्थानीय लोगों ने इस रैली को लेकर काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आपने देखा होगा कि हर साल हर व्यक्ति की भावनाएं भी जुड़ी हुई हैं, चाहे वो युवा हो, महिला हो, किसान हो, हर व्यक्ति इस अभियान से जुड़ता है। अपने अपने घरों में, अपने अपने संस्थानों में तिरंगा लहराने का हम सभी को कार्य करना है। और जिस तरह से आज बाइक रैली यहाँ जोधपुर की जो कलेक्टिव से इसका शुरुआत होने जा रही है, उसमें मुझे भी आमंत्रित किया, तो मैं प्रशासन का और सभी पदाधिकारियों का भी धन्यवाद देती हूँ। और आप सभी मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहूँगी कि आपके माध्यम से ये जो संदेश है, इसको घर घर तक पहुँचाने का काम भी आप ही को करना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से एक एक व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम की भावना से जोड़ा है, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है और हम सभी को इससे जुड़ना चाहिए। और मुझे लगता है इस अभियान को एक सफलता पूर्वक बनाने का जो ये प्रयास है, जो कार्य है, हम सभी को इसमें अपना योगदान जरूर देना चाहिए। एक पेड़ माँ के नाम जो अभियान है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी शुरुआत की, उसमें भी हम सबको जुड़ना है। वृक्षारोपण, पर्यावरण संरक्षण, ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसम बदलता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ी एक समस्या हो गई है, और इसमें हमको इसको दूर करने के लिए हर प्रकार से सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। और इसमें अपनी माँ के नाम अगर हम एक वृक्ष लगाएंगे तो मुझे लगता है वो भी एक बहुत अच्छा काम है, और एक आज के युग में एक बहुत बड़ा एक धर्म का काम ही है, एक हम सभी का कर्तव्य है। जिस तरह से हम अपनी माँ की रक्षा भी करते हैं, ध्यान रखते हैं अपने माँ बाप का, वैसे ही हमको उस वृक्ष को भी, उसका भी ध्यान रखना।